हेलो, वेलकम टू एग्जाम्स इग्नाइटर। आज का टॉपिक है टुडेज टॉपिक इज रेशो प्रोपोर्शन पार्ट टू। इन अर्लियर पार्ट वी स्टडीड ऑल द बेसिक्स ऑफ रेशोज एंड प्रोपोर्शन। टुडे विल बी स्टडिंग सम एडवांस क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर बैंकिंग एसएससी एग्जाम। फोकस इज ऑन द बेसिक्स, सो इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट फर्स्ट सो यू गेट एन कंसेप्ट क्लियर। ओके, नाउ विल मूव टू द सम अदर क्वेश्चंस। ओके, नाउ here it is written a certain sum of money to be divided among p q and r are in the ratio 3:5:7। to agar aisi baat karni hai to mera p in terms of x is 3x, this is what q is 5x and r is what 7x। okay, ye clear hai? if you are not getting it please watch our previous videos। if money received by r is 4000 more than that of Q, R को जो मनी मिला that is 4000 more than that of what Q, okay? R is getting 4000 more than that of Q। क्या ये equation मैंने correct लिखा है? What will happen? यहाँ आएगा Q, this will be R। R is getting 4000 more than Q, okay? ना अब यहाँ पे तुम यहाँ वैल्यू पुट कर दो। Q हो गया तुम्हारा 5x, दिस इज 4000 एंड दिस इज 7x। विल रीड द हेड क्वेश्चन। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड Q, मतलब हमको P और Q का टोटल शेयर, मतलब टोटल हमको कितना मनी मिलेगा दैट वी हैव टू से। तो अब यहाँ से हमको वैल्यू x के मिल जाएंगे। विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड विल पुट इन द रिस्पेक्टिव वैल्यू सो गेट एन टोटल शेयर ऑफ पी एंड क्यू। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई एम रिपीटिंग अगेन। मैंने इसको सबको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लिया है, देन आई हैव इंटरप्रिटेड द लाइन फॉर यू। इफ मनी रिसीव्ड बाय आर, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिए मिस्टेक किया है सो दैट द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। इफ मनी रिसीव्ड बाय आर इज 4000 मोर देन क्यू, ओके, सॉल्व दिस। ये 5x इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो दिस इज व्हाट 7x माइनस 5x, 4000 इज इक्वल टू 2x, 2 1 2, तो x क्या आ गया तुम्हारा 2000। हमको किसका शेयर निकालना है, p प्लस q वी हैव टू डू। तो p प्लस q क्या है हमारा 3x प्लस 5x, दैट इज व्हाट 8x, दैट इज व्हाट 8 × 2000, 8 × 2000 इज व्हाट 16000। ओके, वेरी सिंपल। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, यू कैन सॉल्व इन 2 सेकेंड्स ओनली, बस यू हैव टू इंटरप्रेट दिस लाइन करेक्ट। ओके, जो बोला है उसको दो बार पढ़ो इफ यू गेट कंफ्यूज। इफ मनी रिसीव बाय आर इज 4000 मोर देन दैट ऑफ क्यू, 4000 मोर किससे, क्यू से, किसको मिल रहा है, हु इज गेटिंग, आर इज गेटिंग। ओके, रेस्ट ऑल आर द नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो 2:7:9। तो हमने यहाँ ऐसा लिख लिया 2x, 7x और 9x। इफ टोटल अमाउंट बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू आर शेयर, इफ टोटल ये आर है, ओके, नाउ what we can do, what is p minus q, nothing is given, see you read the question, यहाँ पे हमको कुछ proper data नहीं दिया है। proper data मतलब कोई ऐसी particular figure नहीं है कि p का share is this much तो calculate q, nothing has been given कि r का share नहीं दिया है। अगर मैंने ये equation को solve भी कर लिया तो वो क्या होने वाला है, 7x = 9x, तो वो तो हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सक रहे, बट टू कैलकुलेट x नथिंग फ्यूचर इज गिवन, सो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं पेपर में एंड स्टूडेंट वेस्ट टाइम की थिंकिंग की कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। इट इज नॉट कंपलसरी, इफ इट इज क्लियर कट टू यू कि यू कांट फाइंड दैट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द क्वेश्चन डेटा इनएडिक्वेट। ओके, विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ। ओके, विल चेक दिस क्वेश्चन नाउ। क्या बोला है, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। तो इनकम के लिए विल कंसीडर इनकम इन द बेस ऑफ ए
एंड एक्सपेंसेस इन द बेस ऑफ बी. ओके, एक्सपेंसेस विल कंसिडर एज बी. इसका बोलने का मतलब मीन्स एक्स इनकम, एक्स का इनकम इज वॉट 4 है, करेक्ट. वाईज इनकम इज हाउ मच 3b. क्लियर, सॉरी 3 है. ओके, ये क्लियर है तुमको. सिमिलरली एक्सपेंसेस का रेशियो कैसे आएगा फिर, एक्स का इफ आई टॉक अबाउट एक्स एक्सपेंसेस इट विल बी वॉट 3b, और वाईज एक्सपेंसेस विल बी वॉट 2b. ओके, ये क्लियर है इनकम और एक्सपेंसेस. However, E says 6,000. अब saving और income और expenditure का what relation we can make? We know saving कब होती है, जब income minus expenditure is our saving. The money we earn minus the money we spend is our saving. Very simple formula, okay? तो saving क्या बोली है उन्होंने, X and Y both save how much? 6,000. तो saving का formula क्या है तुम्हारा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो मैं यहाँ ऐसे लिखती 4x माइनस 3b इनकम, सॉरी ये 4a है, 4a माइनस 3b, ये x का सेविंग हो गया. y के सेविंग की बात करेंगे तो 3a माइनस 2b इज इक्वल टू हाउ मच, 6,000. बोला है ना, ये x का सेविंग, ये y का सेविंग. सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. नाउ विल सॉल्व दिस, इन दोनों को कंसीडर करते, विल फॉरवर्ड दिस 6,000 फॉर एंड व्हाइल. ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करो तुम, क्योंकि a हमको कैलकुलेट करना है. 4a माइनस 3a इधर शिफ्ट हुआ तो साइन गेट रिवर्स, माइनस 2b प्लस 3b साइन गेट चेंज. A is equal to 3b minus 2b is b is equal to 6,000. हमारा A B भी क्या आ गया, 6,000. मतलब हमारा जो इनकम का बेस था that is what 6,000. हमको इनकम ही पूछा है, x और x plus y का इनकम. x plus y का इनकम कितना है, 4a plus 3a, तो that is 7a. A इस पे से हमको क्या मिल गया, 6,000. तो 7, 6, 42, that is. अब सिमिलरली अगर तुमको एक्सपेंडिचर भी कर पूछते थे तो यू कैन कैलकुलेट दैट ऑल्सो, 3b प्लस 2b 5b, 5 इंटू 6 दैट इज 30,000. ओके, फिर सेविंग भी पूछते थे तो यू कैन कैलकुलेट दैट ऑल्सो. मीन्स वन क्वेश्चन यू कैन गेट एन वेरियस पैटर्न टू सॉल्व दैट. ओके, नाउ क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया. इन बस यहाँ पे ये इक्वेशन यू हैव टू मेक दिस एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन सेकेंड्स. क्या बोला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग. बस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग. फिर हमने वो फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला भी नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन से वी सॉल्व दैट एंड वी गेट द आंसर टू बी व्हाट, 42,000. सिंपल है बहुत ये, इतना लिखने में टाइम वेस्ट हमको पेपर में नहीं करना. वी कैन कैलकुलेट इट ओरली ऑल्सो. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, लेट्स स्टार्ट, विल रीड द क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चंस आर नाउ वेरी फेवरेट. ओके, नाउ अ डेज सच क्वेश्चंस आर ओनली कमिंग इन पेपर. कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि देयर प्रॉफिट्स आर इन द रेशियो सो फाइंड डेज का प्रॉफिट. Such questions are very frequently asked, so try and understand it. And if you understand it very correctly, please like, subscribe, and share Exam Igniter. Okay. Every month, Mr. Dugabati spent 24% of his monthly income of rent. 24% chala gaya on rent, 30% on shopping. Itna unhone already spend kar diya. तो ये कितना हो गया, 54% हैज बीन स्पेंड आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 में से 54% अपना स्पेंड हो गया, रिमेनिंग इज व्हाट, 46%. ओके, आउट ऑफ द रिमेनिंग ही इन्वेस्ट इन एफडी एंड लॉटरी इन द रेशियो 9:7. ये जो रिमेनिंग है ना 46%, दिस हैज बीन इन्वेस्टेड इन लॉटरी एंड इन व्हाट, एफडी इन द रेशियो व्हाट, 9:7. बट हाँ से हमको स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लियर पिक्चर्स टू डू कैलकुलेशन. इन वन ईयर ही डिपॉजिटेड टोटल, ही डिपॉजिटेड, यह एक वर्ड मैंने कट कर लिया होगा, फिक्स डिपॉजिटेड टोटल ऑफ
ये 1,24,200 का इतना टोटल उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में ही डिपॉजिट किया है, हाउ मच ही स्पेंट ऑन रेंट, मतलब दिस 46%। अब अगर सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की बात करनी है तो यहाँ से हम रेशो आराम से निकाल सकते हैं, दिस इज 9x, ये 9+7 16x, ये इट इज इक्वल टू व्हाट, 1,24,200 ये बना अपना। ओके कहाँ से आया, उन्होंने क्या बोला था, फिक्स डिपॉजिट, ओनली इन फिक्स डिपॉजिट, इसलिए फिक्स डिपॉजिट हैशटैग है। द टोटल, मैंने ये बताया था रेशियोज में हमको हमेशा टोटल के साथ कंपैरिजन करनी है, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन प्रीवियस वीडियो, इज दिस मच, बट किसका, ये रिमेनिंग का, जो रिमेनिंग है, दिस वर्ड रिमेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिमेनिंग आउट ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग अपना कितना था, 46%, 46% ऑफ व्हाट, टोटल इनकम, लेट टोटल इनकम मैंने क्या ले ली उसकी की वाई विल बी द व्हाट टोटल इनकम। ये जरूरी नहीं है तुम हर वेरिएबल को मेजर करो कि तुम क्या कर रहे हो, बस वेरिएबल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ओके आई एम रिपीटिंग अप टिल दिस पॉइंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, एवरी मंथ मिस्टर दुगापति स्पेंड 24% ऑन रेंट, 30% ऑन शॉपिंग, तो 54% अपना चला गया, तो 100 में से 54 गया, तो रिमेनिंग वॉज 46%। आउट ऑफ द रिमेनिंग, ये मैंने रिमेनिंग निकाला है, डन विथ द माई रिमेनिंग थिंग, आउट ऑफ द रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग कितना है अभी, 46% ही इन्वेस्ट इन FD एंड लॉटरी, FD और लॉटरी इन द शेयर वॉट 9:7, 9:7 में उन्होंने FD और लॉटरी में किया है। बट हमको क्या बोला है, इन वन ईयर, वॉट वी हैव बीन टोल्ड, इन वन ईयर ही डिपॉजिटेड, फिक्स डिपॉजिटेड इतना, मतलब हमको FD का शेयर बताया हुआ है, आउट ऑफ व्हाट द टोटल शेयर, तो टोटल शेयर FD का था 9, आउट ऑफ व्हाट, तो 9+7, 9+7 आई एम राइटिंग दिस, 9x+7x, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 16x, तो आई विल राइट, तो ये किसका, यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ व्हाट, व्हाई दिस कम, क्योंकि रिमेनिंग में से ही इतना शेयर उसने डिपॉजिट किया, इसलिए रिमेनिंग इज कम। ओके तो ये हो गया तुम्हारा अपॉन व्हाट, अपॉन क्या है ये, ये हम टोटल इनकम एक्स ही कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर दिस टू बी व्हाट एक्स, मैंने गलत इंटरप्रेट किया। ओके विल कंसिडर, क्योंकि ये भी तो टोटल इनकम का ही पार्ट है, टोटल इनकम उसकी एक्स थी, उसमें का रिमेनिंग शेयर है। ओके तो ये हो गया तुम्हारा 16x इज इक्वल टू 1,42,000। ओके ये तो अपने कट गए, ओके बट ये एक्स अपना रिमेनिंग है, तो दिस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आई विल राइट इट हियर सो यू गेट एन क्लियर पिक्चर। एक्स क्या है अभी 46, ये वाला अपने को एक्स निकालना है, तो यू मल्टीप्लाई दिस, ओके 1,24,200 × 100, ओके और क्या बचा है अपना, × 16/46 × 9, ओके 216/1, मेक इट वेरी क्लियर, एक्स ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर गए, द अदर थिंग विच वेर इन न्यूमरेटर कम्स इन व्हाट, डिनोमिनेटर। ओके आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। ओके नाउ ये नंबर देख लो तुम, 9 से डिविजिबल है क्या, क्योंकि 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, अगेन 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ये कैसे समझेगा, तो यू शुड नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्या है 9 की एडिशन शुड बी 9 और इन द मल्टीपल ऑफ 9, तो 2+4 6 6+2 8+1 9, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है, स्टार्ट कटिंग इट विथ 9, 9 1 9, ओके रिमेनिंग कितना है तुम्हारा यहाँ पे 34, तो 9 3 8, तो ये हो गया 13800, ये आ गया तुम्हारा यहाँ तक, अभी ये 13800 46 से जाता क्या, हमको ट्रायल एंड एरर करके देखना है, इतना 46 का टेप होपफुली, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम कुछ भी पॉइंट में नहीं है, तो सब कुछ प्रॉपरली डिविजिबल होने ही वाला है, कीप दिस इन माइंड, लुक एट द ऑप्शन, सॉरी दिस आर द ऑप्शन, लुक एट द ऑप्शन, नथिंग इज इन पॉइंट, सो ये प्रॉपरली डिवाइड होगा ही, स्टार्ट डिवाइडिंग इट, इसको तुम डिवाइड करो, अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो एंडिंग में 3 आता,
सॉरी एंडिंग में 8 आता तो 3 से, तो 46 इंटू 3 रफ में करके देख लो, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, वंडरफुल 138। तो ये 46 वन जा और ये 300 जा, समझा सबको ये कैसे आया? तो ये 300 इंटू 100 इंटू 16, 16 3 जा 48, 1 2 3 4 0, ये आ गए अपने हाथ तक। ये नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन था, समझना हमको ये पार्ट था, ओके, कि ये कैसे आया। आगे क्या पूछा है, हाउ मच इज स्पेंट ऑन रेंट? तो इनकम का 24% इज स्पेंट ऑन रेंट, तो 24 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों जीरो कट गए, ओके। नाउ एंडिंग में दो जीरो तो आने ही वाले, ओके, तो कुछ ऑप्शन अपने ऐसे ही रूल आउट हो जाते। और 848 सा 32, तो इन डेसिमल डिजिट 2, तो 2 वाला ये एक ही है, ओके, 2 यूनिट डिजिट में ये एक ही है, तो दिस इज योर आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 115200। पूरा मल्टीप्लाई देख करके देखने की देर वॉज नो नीड एक्चुअली, बिकॉज आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि यू फोकस ऑन यूनिट डिजिट। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो वॉच दैट सो यू गेट एन क्लियर व्यू कि यूनिट डिजिट से आंसर फटाक से कैसे निकालना। आई रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन, एक्स को हमने टोटल इनकम कंसिडर किया, इतना उन्होंने खर्चा कर दिया था, रिमेनिंग अपना 46 आया था। उसने बोला था रिमेनिंग का, इन द क्वेश्चन इट वॉज सेड कि रिमेनिंग में से दे स्पेंड 9:7 के रेशो में ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड लॉटरी, बट फिक्स डिपॉजिट का शेयर दिया था इसलिए मैंने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टोटल लिया एंड आई कैलकुलेटेड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। नाउ यू माइट बी थिंकिंग मैम ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो ऑफकोर्स नॉट, यू प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन सो यू डोंट नीड टू राइट एंड दिस मच ऑफ स्टेप, और कैलकुलेशन की यू नीड टू प्रैक्टिस इट बिकॉज देर इज नो सोल्यूशन टू अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ओनली थिंग इज अंडरस्टैंड द डिविजिबिलिटी टेस्ट, फास्ट मल्टीप्लीकेशन, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, सो हार्डली यू विल टेक 40-50 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। और कुछ क्वेश्चन, देर आर सम क्वेश्चन यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, और ये टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे देन ओनली यू विल गेट एन गुड स्कोर, ओके। दिस इज वेरी सिंपल एंड इफ यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एग्जाम इग्नाइटर, एंड सच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट था वो प्लीज नाउ, अभी क्या आता है दैट इज इम्पॉर्टेंट, पहले क्या आता था दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, वेरी इजी, ओके। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिटन हियर ओनली, so I'll erase those things and I'll solve now. Comparatively very easy question this is, okay, we'll study. A starts a business with 7,000. A ने business start किया with 7, B joins 5 months after, मतलब 12 months का, in such question fix कि 12 months का एक year है, तो B ने 5 महीने बाद join किया, मतलब टाइम कितना, स्पैन कितना था 1 year के लिए, बी इन्वेस्टेड फॉर 7 months, ओके, एज एन पार्टनर, इन 1 year द प्रॉफिट इज डिवाइडेड, ओके, जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा दैट इज द प्रॉफिट रेशियो, कीप दिस इन माइंड, इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, कि कोई ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हम लेस प्रॉफिट लेंगे, दैट इज नॉट एन काइंड ऑफ थिंग, देयर इज नो स्लीपिंग पार्टनर वगैरह ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो कीप दिस इन माइंड, इन्वेस्टमेंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। तो तुम सच क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, आई एम अगेन रिपीटिंग, इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, ओके। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते, हमको बताया अभी इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो इक्वल है, तो इन्वेस्टमेंट 7,000 ए बाय बी ऐसा लिख रही मैं, 7,000 इंटू 12, क्योंकि उन्होंने ए ने पूरा 1 year के लिए इन्वेस्ट किया, हमको बी का पता नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन, वी डोंट नो बीज कॉन्ट्रीब्यूशन, लेट बीज कॉन्ट्रीब्यूशन और बीज इन्वेस्टमेंट बी वॉट एक्स। So, अब I'll write A and B is equal to 7,000 into 12 upon 7x into 7. Investment, investment, month, month is equal to what? 2 by 3. क्योंकि मैंने बोला investment ratio is ratio of profit. 7 ones are 1,000 are, okay?
कट करो, टू वन जा टू सिक्स जा, ओके अब ये क्या हो गया 6000 इंटू थ्री, ओके 6000 इंटू थ्री इज एक्स, तो एक्स कितना हो गया तुम्हारा 18000, दैट इज 18k, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दो दिस क्वेश्चन इज लुकिंग वेरी सिंपल बट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, मैनी ऑफ यू विल डू नन, क्योंकि बात तो इन्वेस्टमेंट की है और देन प्रॉफिट की बात की है, मैनी स्टूडेंट्स डोंट नो कि इन्वेस्टमेंट रेशियो एंड प्रॉफिट रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल, और एग्जाम के टाइम पे कॉमन सेंस ऑल्सो गोज समवेयर, तो प्लीज कीप इन माइंड सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एग्जाम सिग्नाइटर। दिस क्वेश्चन वॉज लिटिल डिफिकल्ट बट ये मैंने तुमको बहुत ईजिली करके समझाया है, और कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज एंड प्रपोर्शन, ओके प्रैक्टिस करो सच क्वेश्चन की। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके विल सी आई एम टेकिंग ईच क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट पैटर्न सो यू गेट एन क्लियर व्यू ऑफ एग्जाम, एंड वॉट आई एम टेकिंग इज नाउ कमिंग इन पेपर, सो प्लीज फोकस ऑन दैट, एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग इट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, हर क्वेश्चन डिफरेंट है एंड दैट्स द नीड ऑफ द डे, सो प्लीज कीप इन माइंड, ओके नाउ डिवाइड 2340 इंटू थ्री पार्ट सच दैट फर्स्ट पार्ट बी डबल ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड पार्ट इफ आई टेक एन एक्स तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा मेरा डबल मतलब 2x, एंड सेकेंड पार्ट भी वन थर्ड ऑफ थर्ड पार्ट, सॉरी एंड सेकेंड पार्ट भी वन थर्ड ऑफ थर्ड पार्ट, बट थर्ड पार्ट क्या है मेरे को कुछ पता ही नहीं है, सो मैं ये ऐसा नहीं कर सकती, सो दिस फेल्स, ओके नाउ इन सच क्वेश्चन व्हेन देयर इज एन डिवीजन दैट यू कांट डू इट वेरी परफेक्टली रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड देन ट्राई टू मेक द इक्वेशन, अब मेरे को क्या हो रहा है सेकेंड पार्ट इज वन थर्ड ऑफ थर्ड पार्ट, तो मेरे को फर्स्टली आई नीड टू कंसिडर विच पार्ट थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट से सेकेंड पार्ट मिलेगा और सेकेंड पार्ट से आई गेट द फर्स्ट पार्ट, ओके आई डोंट नो, ओके सेकेंड पार्ट भी वन थर्ड ऑफ थर्ड पार्ट, लेट थर्ड पार्ट बी 3x, ओके 3x या 3 तुमको जो लेना लो, वाई 3 ओनली, क्योंकि अब यहाँ ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है दैट मेक्स देम क्वेश्चन सॉल्विंग वेरी इजी, सेकेंड पार्ट इज वन थर्ड ऑफ थर्ड, और यहाँ पे मैं एक्स लेती थी तो सेकेंड मेरा 1/3x होता था, दैट कम्स इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ गया तो सॉल्विंग डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने क्या किया मैं इसको अगर ऐसा कर दूँ तो सेकेंड पार्ट मेरा बोला क्या है इट इज वन थर्ड ऑफ थर्ड, ओके वन थर्ड ऑफ थर्ड, तो ये वन थर्ड अभी 3 कट गया, मेरा सेकेंड पार्ट क्या हो गया 1x, अगर मैं सिर्फ एक्स लेती थी तो ये 1/3x होता था, दैट विल बी डिफिकल्ट, अब यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हैं, 1/5 बोला तो तुम 5x ले सकते हैं, वॉट एवर उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हम बाकी के पार्ट अकॉर्डिंगली वी आर मेकिंग इट, ओके एंड फर्स्ट पार्ट इज डबल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट पार्ट डबल ऑफ सेकेंड है तो ये मेरा क्या हो गया 2x, तो ये रेशियो क्या बन गया 2:1:3, दिस इज आर रेशियो 2:1:3, अब थर्ड पार्ट निकालने बोला है हमको, तो तुम अब इसको कैसे कर दोगे थर्ड पार्ट, ये बहुत इजी हो गया अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे, थर्ड पार्ट बोला आउट ऑफ द टोटल, तो ये 3x टोटल क्या है अपना 2+1 3, 3+3 6x, और टोटल शेयर भी दिया था 2340, ये आ जाएगा अपना थर्ड पार्ट, अब सॉल्व कर लो वेरी इजी, एक्स एक्स 3 1 3 2 2 1, अब ये तुम करके देख लो 1, अब 1 वाला तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है स्टिल विल डू, ओके सो दिस इज आर आंसर, ओके वेरी इजी कुछ भी नहीं था, बस थिंग इज टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट मेकिंग, ये तो दिस तो यू कैन इजीली सॉल्व, दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दिस कि थर्ड पार्ट मैम व्हाई यू हैव टेकन 3x, तो मैंने ये तुमको समझाया कि व्हाई हैव टेकन दिस 3x, क्योंकि ये वन थर्ड बोला इसलिए मैंने 3x लिया, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट द इक्वेशन टू बी कम इन फ्रैक्शन, तुम सोचो ये कैलकुलेशन जो इतना इजीली हो गया अगर ये फ्रैक्शन में रहता था तो हाउ मच डिफिकल्ट इट वुड बी, ये अगर x रहता था ये 1/3 रहता था ये उसका डबल मतलब
2/3 रहता था तो तुमको ये ऐसा करना पड़ता था, बट अभी वो कितना इजी हो गया. ओके, सो दिस आर वेरी शॉर्ट टेक्निक्स टू कीप इन माइंड. ओके, और ऐसी टेक्निक्स रियली हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चन एट फास्टेस्ट स्पीड. अब ये आने के बाद तो यू कैन सॉल्व इट इन 10 seconds ओनली, बट ये आना चाहिए. ये कैसे आएगा? व्हेन यू प्रैक्टिस मोर, व्हेन यू स्टडी मोर. सी, मैथमेटिक्स इज नॉट एन कि आज पढ़ लिया और कल याद हो गया, उसको रोज की प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी. ओके, we'll jump to the next question now. P started a business with an initial investment of 1200. X months after, कुछ महीनों बाद, Q joined it with an initial investment of 1500. मतलब P की investment 1200 थी और Q ने कुछ महीनों बाद join किया with investment 1500. If total profit इतना था एट द एंड ऑफ ईयर, क्यू का प्रॉफिट दिया है, फाइंड एक्स. एक्स मतलब कि पी ने कितने महीने, सॉरी क्यू ने कितना महीने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आई सेड यू वन थिंग, क्या बोला मैंने, इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल. तो अगर तुम इसमें से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लोगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट का रेशियो, दैट्स इट. क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया. अब मैम हम प्रॉफिट का रेशियो निकाले कैसे? तुमको टोटल प्रॉफिट दिया है, तुमको क्यू का प्रॉफिट दिया है, तुम पी का आराम से निकाल सकते. पी का प्रॉफिट क्या होगा? व्हाट विल बी पी प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट माइनस क्यू का प्रॉफिट. ओके, ये तो सबको क्लियर है. तो तुम्हारा पी का प्रॉफिट फिर हुआ कितना? अभी ये कितना हो गया तुम्हारे, इसमें से 750 माइनस कर दो, इट विल बी अराउंड 1200. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 1200, ये हो गया प्रॉफिट. अब प्रॉफिट का रेशियो बना लो, पीस प्रॉफिट अपॉन क्यूज प्रॉफिट. ओके, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इसने तो बोला है अपने को कितने महीने, अब इसका हमको निकालना है. तो दिस इज वॉट, दिस इज गिवन टू बी वॉट, तुमको ये एक्स दिया है. ओके, अगर दोनों एक्स में कंफ्यूज हो रहा तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज गिवन एक्स. ओके, अब प्रॉफिट का रेशियो निकालो, 1200 अपॉन 750 इज इक्वल टू 1200 इंटू 12 अपॉन 1500 इंटू कैपिटल एक्स. इसको कट कर दो, 1s are 2s are, कटिंग देखो. ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस, इसलिए तुमको ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन बहुत सिंपल लग रहे होंगे हर क्वेश्चन में, बिकॉज आई एम सॉल्विंग दिस. ये तुमको समझ में ही नहीं आता, तुम यहाँ पे प्लस भी रहा ना, तो मेनी स्टूडेंट डू दिस. सो कब कैसा कटिंग होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. 1200 कट गया, 750 1s are 2s are 2 1s are 2 6s are 12, सब कट गया. अब ये x इधर चला गया, इधर रिमेनिंग क्या है, तो 6 कितना मंथ, दैट्स इट. ये हो गया तुम्हारा आंसर, कुछ भी नहीं था. ओके, बट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देखिए, यू वॉन्ट सॉल्व इट ओनली. क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? हमको बोला है टोटल प्रॉफिट पता है, क्यू का प्रॉफिट पता है, हमने पी का प्रॉफिट ले लिया. हमको ये भी पता है कि प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो मैंने प्रॉफिट प्रॉफिट लिख लिया, इधर इन्वेस्टमेंट लिख लिया. लेस रेस्ट इज द अल्जेब्रिक कैलकुलेशन. 1200 कैसे आया? ये टोटल प्रॉफिट माइनस क्यू का प्रॉफिट, दैट्स इट, वेरी सिंपल. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस शॉर्ट ट्रिक्स विल मेक यू थ्रू टू द एग्जाम्स. ओके, कोई मतलब ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स यू मग अप, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ट्रिक से करेंगे, हम रेशियो ये ट्रिक से करेंगे, हम परसेंटेजेस ये ट्रिक से करेंगे, तो दिस इज नॉट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स क्या है? तुम्हारा कंसेप्ट है, तुम्हारी कैलकुलेशंस है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग है. ओके, एंड इफ यू आर गेटिंग दिस ऑल पैकेज एट वन चैनल, दैट इज व्हाट एग्जाम्स इग्नाइटर. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सर्कुलेट इन योर फ्रेंड्स, सो यू गेट एन क्लियर व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट मैथमेटिक्स थिंग. ओके, थैंक यू.